सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको जो वैकेंसी का अपडेट बताने वाला हूँ, यार वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी का अपडेट मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ। यहाँ पे मान लीजिए आपने, अगर मान लीजिए आपने 10th भी कर रखा है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। आपने ITI कर रखा है तो भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आपको वैकेंसी यहाँ पे देखने मिलेंगी। तो मैं सभी वैकेंसी के बारे में बताऊंगा एंड साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें फॉर्म को अप्लाई करना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले यार आपको छोटा सा एक काम कर देना हमारा, जो कि इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बताना है, ठीक है। जब आप कमेंट करके आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बता दोगे तो मैं वहाँ पे पता चलता रहता है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, और अपना कमेंट में अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कमेंट में अपना स्टेट, जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो डाल दीजिए। आज मैं आपको अपडेट बताऊंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बारे में। यहाँ पे लेटेस्ट वैकेंसी आई हैं और इस वैकेंसी को जरूर से फॉर्म को अप्लाई जितने लोग कर सकते हैं करिएगा भाई, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ सैलरी काफी बढ़िया देखने को मिलेगी, जो कि 35,700 रुपये पर मंथ यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिलेगी। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई यहाँ पे कर सकेंगे। कोई भी आपको आवेदन शुल्क यहाँ पे नहीं देना होगा, जीरो चार्ज है यहाँ पे, कोई शुल्क आपको नहीं देना है। काफी सारे बेनिफिट भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, बस की सुविधा और बोनस की सुविधा भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये काफी सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। 2024 की लेटेस्ट वैकेंसी निकल कर आ चुकी है जून 2024 में। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, तो ये चलिए सभी डिटेल्स को बारीकी से समझते हैं आर्टिकल की मदद से। तो गाइस देखो, वीडियो को अंत तक देखोगे और बारीकी से समझोगे तब आपको पता भी चलेगा कि आवेदन करना कैसे है और कौन से पद के लिए आवेदन करना है। देखो कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को देखते हैं और जल्दी जल्दी स्किप कर करके मेन पॉइंट देख लेते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि आई किसके लिए, हमें कौन सी क्या क्वालिफिकेशन है, किस पोस्ट के लिए। तो जब वीडियो को अंत तक देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। चलिए बात करते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स रिक्रूटमेंट 2024। अब इसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी डिटेल्स यहाँ पे जानेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगी सारी इंफॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे महिंद्रा मोटर्स के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पे काफी सारे पदों पर वैकेंसी देखने को आपको मिलेंगी, जिसमें यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के माध्यम से सारी डिटेल्स को बताया गया है। अब इसमें फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, आवेदन कैसे करना है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, आवेदन कब तक करना होगा, एज लिमिट क्या होगी, ये सभी जानकारी आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में बताई गई है। तो एक बार ही शॉर्ट इन्फॉर्मेशन को जरूर से चेक कर लिया करो। बात करेंगे इसमें कुछ डिटेल्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे बताई गई है इसमें नेम ऑफ कंपनी कौन सी है, कब से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो कंपनी के बारे में यहाँ पे आपको बता रखा है हिंदी में, जो कि आप यहाँ पे जान सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके भी आप डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर जो आपको पद निकल कर आ रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स कंपनी की तरफ से विभिन्न पद निकले हैं, जिसके लिए यहाँ पे आप नीचे आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको पोस्ट दे रखी है, डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, एरिया मैनेजर, लीड इंजीनियर, सीनियर लीड इंजीनियर। तो ये काफी सारे पद आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट और एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे इसमें एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एज लिमिट के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, मिनिमम जो एज रखी गई है वो यहाँ पे 18 वर्ष देखने को आपको मिलेगी और मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो यहाँ पे आपको 28 वर्ष देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, जो भी कैंडिडेट मेल हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो, ये सभी के लिए बढ़िया मौका है इसमें आवेदन करने का। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगी, जैसा कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर आपने ITI कर रखा है, डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप इसके लिए जो है डेफिनेटली अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। इसमें इम्पोर्टेंट डेट की अगर बात करें तो यहाँ पे 14 जून 2024 से स्टार्ट हुए हैं, जिसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो यहाँ पे 1 जुलाई 2024 आपको देखने को इसकी लास्ट डेट मिलेगी। तो इस लास्ट डेट से पहले पहले आप आवेदन कर लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें
तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको इंटरव्यू की डेट बताई जाएगी आपकी मेल आईडी पर। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स, अगर इंटरव्यू को पास कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा एंड फाइनली फिर आपको जॉब ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो देखिए यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप फॉर्म भरेंगे तब। तो देखिए यहाँ पे एजुकेशन मार्कशीट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो या फिर वोटर आईडी कार्ड हो। ठीक है, साथ ही साथ रिज्यूम को अपलोड करना होगा, कवर लेटर को भी अपलोड करना होगा। कवर लेटर मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा जो कि मैंने पिन कर रखा है वहाँ पे। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको कैसे फॉर्म को भरना है, हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई करना कैसे है। तो चलिए मैं आपको इसका जो अप्लाई का प्रोसेस है वो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको फॉर्म को कैसे भरना होगा। तो गाइस देखो, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक तो मैंने आपको डायरेक्टली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है, बाई चांस अगर वो लिंक काम नहीं करता है तो आपको क्या करना होगा, गूगल पर आना है। ठीक है, गूगल पर आओगे तो यहाँ पे सर्च बार में यहाँ पे आपको टाइप करना होगा ऑनलाइन जॉब तक, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ऑनलाइन जॉब तक। एंड यहाँ पे जैसे ही मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद आपको सबसे पहले वाली जो टैब ओपन हो रही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, www.onlinejobtak.online। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल के ओपन होगा। जैसा कि आपको सबसे पहली जो टैब ओपन होगी, यहाँ पे महिंद्रा मोटर्स की जॉब की अपडेट यहाँ पे देखने को मिलेगी पहली वाली टैब पर ही। अगर आपको नहीं देखने को मिलती है तो यहाँ पे दिख रहा है आपको सर्च दिस ब्लॉक का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है टाइप कर देना है महिंद्रा एंड महिंद्रा जॉब 2024, तब भी आपको सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं, और इसके डिटेल्स के बारे में मैंने आपको जो शुरुआत में बताया था वो डिटेल्स आपको देख लेनी होगी, और यहाँ पे सभी डिटेल्स को पढ़ लेना है, बारीकी से समझ लेना है, तभी आप यहाँ पे आवेदन करिएगा। आवेदन करने के लिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे काफी सारे लिंक आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपको काफी सारे लिंक यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लिक हियर, आपको यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। एंड फाइनली फिर जैसे यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने काफी सारी जो जॉब पोस्टिंग अपडेट बताई थी मैंने वो देखने को आपको मिलेंगी। जैसा कि देखिए यहाँ पे सेल्स मैनेजर की है, कस्टमर केयर मैनेजर की है, ठीक है, की अकाउंट मैनेजर की है, सेल्स मैनेजर की है, डिप्टी मैनेजर की है। तो ये वैकेंसी यहाँ पे काफी सारी निकल कर यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फंक्शंस दे रखे हैं, यहाँ पे 1-2 यहाँ पे जो है पेज दे रखे हैं। तो अगर सेकेंड पेज पर क्लिक करोगे तो और भी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, जैसा कि डिप्टी मैनेजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर, एरिया मैनेजर, ठीक है, लीड इंजीनियर, डिप्टी मैनेजर, सीनियर लीड इंजीनियर, तो काफी सारे पद आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। अब जिस वैकेंसी के लिए भी आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करके आप अपने पूरे डिटेल्स को पढ़ लीजिए, पहले समझ लीजिए कि उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसे कि यहाँ पे जो एरिया मैनेजर की पोस्ट है, इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे लोकेशन आपकी चेन्नई के अंदर देखने को मिलेगी, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देखिए, अगर आपने बीई कर रखी है, ठीक है, यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी है आपने, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने एमबीए कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको और भी काफी सारे पद यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं बैक आएंगे तो यहाँ पे आपको और भी कई सारे पोस्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि सेल्स मैनेजर का पद हो गया, ठीक है, और भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे की अकाउंट मैनेजर का पद हो गया। तो ये काफी सारे पद आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, की अकाउंट मैनेजर के जो पद पर वैकेंसी निकली है, अगर आपकी एमबीए आपने कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एरिया मैनेजर के लिए अगर आपने यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेल्स मैनेजर के लिए अगर आपने यहाँ पे देखिए आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपने यहाँ पे भी बी कर रखी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है डिप्लोमा बीई बीटेक कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने आईटीआई या फिर 10th 12th कर रखा है भाई, तो उसके लिए भी आपको वैकेंसी को यहाँ पे देख लेना होगा, फाइंड कर लेना है। ठीक है, और वैकेंसी के आधार पर आपको अपनी जो वैकेंसी है उसके पोस्ट के आधार पर ही आपको क्वालिफिकेशन दिखेगी, उसके बाद आवेदन करना होगा। मान लीजिए कोई भी वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर देते हो तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करें, अप्लाई नाउ पे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने न्यू पेज खुल के यहाँ पे ओपन हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए, अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है तो यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। अगर न्यू यूजर हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना होगा। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल एड्रेस को टाइप करना होगा। यहाँ पे दोबारा से ईमेल एड्रेस, यहाँ पे एक पासवर्ड को सेलेक्ट करना है, जो पासवर्ड आपको ध्यान रहे भूले नहीं आप। और दोबारा से पासवर्ड, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, मोबाइल नंबर, ठीक है, ये सभी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद एंड फाइनली फिर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो आगे का जो प्रोसेस होगा उसमें आपके बेसिक डिटेल्स जैसे कि नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ठीक है, आपके आपने क्या क्वालिफिकेशन कर रखी है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये सभी बेसिक जानकारी आपको वहाँ पे फिल करनी होगी। तो आई होप यहाँ तक आप समझ में आ गई होगी सारी डिटेल्स। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह रहा हो तो यार कमेंट करके जरूर से पूछ लेना, कमेंट में भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और जल्दी मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन्होंने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करके रखा अभी तक, भाई टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। और कमेंट में अपनी शैक्षिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डालना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।